हाँ जी, आज लिए सा फिर एक नई वीडियो की गल्या। आज हम बात करांगे हरियाणा के एक ऐसे कलाकार के बारे में जिसने हरियाणवी इंडस्ट्री को नीचे से लेकर बहुत ऊपर तक पहुंचाया है। आज हम बात करने वाले हैं उस कलाकार की जिसने मैडम बैठ बलैरो में एडी मार के नाची, प्लस टू में पास हो गई, ऐसे हरियाणवी गाने लेके आए जो कि उस टाइम पर लेके आए थे जब हरियाणवी गानों को कोई भी नहीं देखता था। लेकिन जैसे ही इनकी कैसेट मार्केट में आई तो इन्होंने धुआं मचा दिया। हरियाणा के साथ साथ उत्तर भारत में भी इस लड़के को देखा जाने लगा। आज हम बात कर रहे हैं विजय वर्मा के बारे में। आप लोग ने पहले देखा था कि विजय वर्मा बहुत ही हाई लेवल का और बहुत ही अच्छा काम करते थे। विजय वर्मा ऐसा कलाकार है जिसके सॉन्ग को आप सिर्फ म्यूजिक से ही नहीं देखते हैं, लेकिन उसकी कॉमेडी रहती है जो सॉन्ग के अंदर, वो भी बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है। आज हम बात करेंगे उसी से रिलेटेड। एक गाना आने लग रहा है तमाशा, विजय वर्मा और फिजा चौधरी मिलकर इस प्रोजेक्ट को आप लोग के सामने 11 अक्टूबर ने लेकर आएंगे। विजय वर्मा की बात की जाए तो विजय वर्मा ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने हरियाणा को नीचे से लेकर ऊपर तक ले जाने के लिए अपना अहम योगदान दिया है। विजय वर्मा उस समय गाने बनाने लगे थे जब हरियाणवी इंडस्ट्री का कोई भी रुख नहीं करता था। केडी जैसे कलाकार भी बाद में आए हैं, लेकिन विजय वर्मा ने शुरुआत में कमान संभाली थी। उसके बाद उन्होंने हरियाणवी इंडस्ट्री को आज के दौर में भी सुपर डुपर हिट सॉन्ग दिए, जैसे सैंडल, छुट्टी और भी बहुत से ऐसे सॉन्ग थे जिन्होंने हरियाणवी इंडस्ट्री के अंदर पूरी तबाही मचाई है। एक दो कलाकार को छोड़ दे, पुराने कलाकार को जीवन पुरिया हो गया, राजू पंजाबी हो गया, तो सभी कलाकार नए हैं। जो विजय वर्मा के दौर के कलाकार हैं ये 2-4 ही कलाकार हैं। तो वो एक बड़ा प्रोजेक्ट लेके आने लग रहे हैं जो कि एक फैमिली कंटेंट रहने वाला है। तमाशा आप लोगों के बीच में आ जाएगा। तो उम्मीद ये रहने वाली है कि उनके कुछ पिछले सॉन्ग अच्छे से नहीं चल पाए, तो इस सॉन्ग से उनकी बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं और दर्शक भी ये चाहते हैं कि वे बहुत ही एंटरटेनिंग सॉन्ग लेके आए। आगे देखते हैं कि हरियाणवी कलाकार के बारे में और हरियाणा की जनता के बारे में क्या डिसाइड रहता है, कि इस सॉन्ग के प्रति उनका क्या रुख रहता है। विजय वर्मा की बात करी जाए तो उन्होंने इस सॉन्ग में बहुत ही अच्छी ट्राई की है और वे एक बढ़िया काम लेके आने लग रहे हैं। फुल एंटरटेनमेंट की गारंटी विजय वर्मा हमेशा से ही देता आया है, तो इस सॉन्ग में ही कुछ ऐसा ही रहने वाला है। विजय वर्मा ऑल टाइम कलाकार है और अलग अलग एक्सपेरिमेंट के साथ आप लोगों के बीच में हमेशा आता है। एक दौर था जब हरियाणवी गाने ने कोई नहीं सुना करता, तब विजय वर्मा आए और उन्होंने अपनी धाक जमानी शुरू कर दी थी। एक ऐसा लड़का जो डांस के मामले में बहुत ही आज भी ऊपर है, और उस जमाने में तो उसका कोई तोड़ था ही नहीं। तो उसका सॉन्ग आप लोगों के बीच में आ जाएगा, तो उसने जरूर देखियो, अपना प्यार दियो, बहुत ही बेहतरीन सॉन्ग रहने वाला है। तो अगर नेक्स्ट वीडियो में फिर आप लोग मिलेंगे, तब तक धन्यवाद।